वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। आज मेरी टेंसेस की थर्ड वीडियो है जो कि प्रेजेंट टेंस की थर्ड वीडियो है जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यू। आपसे फिर मैं गुजारिश करती हूँ कि आप इसको देखने से पहले मेरी टेंसेस की फर्स्ट और सेकंड वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो मैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताने वाली हूँ। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन और लाइक जो है वो मुझे ज़्यादा प्रोत्साहन देगा फिर मैं और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर रही हूँ कि मैंने आपको बताया था टेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को मैं कर रही हूँ पहले। प्रेजेंट टेंस चार तरह के होते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पहली दो वीडियो में मैं करा चुकी हूँ प्रेजेंट इनडेफिनेट और परफेक्ट के बारे में। इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताऊंगी। और अगेन मैं यही कहती हूँ कि पहले आप अपने सेंटेंस को देखें फिर उससे चेंज करें। तो जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। जिस सेंटेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, समझ जाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस मतलब चल रहा है, ये होता है। अब इसके रूल लिख लें। बेसिकली रूल्स क्या है? रूल्स ये होगा कि यहाँ पर जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है, बस। कोई सेकंड थर्ड फॉर्म का मसला नहीं है। और साथ साथ एक और रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। चलो जी, रूल नंबर वन, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आप इज लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। रूल नंबर टू, आई के साथ आप एम लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगी। रूल नंबर थ्री, आई, यू, दे, वी और प्लूलर के साथ आप आर लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। ये हम अपनी जिंदगी में इतना इस्तेमाल करते हैं, सब यूज करते हैं इसको। अब जब पहली बार मतलब इसको करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो यहाँ मैं की बात आएगी। अब मैंने कर रही हूँ, रही मतलब, रहा मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिलहाल मिसाल के तौर पर मैं अपना काम कर रही हूँ, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। काम का होता है डू, डू के साथ आईएनजी लगा देंगे डूइंग, आई एम डूइंग माय वर्क, ये होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब इसमें लगना जरूरी होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब एम, आर और इज। सेकंड लेते हैं, वह अपने दोस्त के घर जा रहा है, वह मतलब ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ इज लगेगा। ही इज जाना का गो, गोइंग, ही इज गोइंग टू हिज फ्रेंड हाउस। नेक्स्ट लेती हूँ, हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, हम मतलब वी के साथ क्या लगता है? मैंने बताया था ऊपर वी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। वी आर खाना का ईट, ईटिंग, क्योंकि रहा का साउंड आ रहा है, वी आर ईटिंग लंच, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, माँ फोन पर बात कर रही है, माँ सिंगुलर है तो मदर, क्या बोला था? ही, शी, इट सिंगुलर के साथ इज, मदर इज टॉकिंग, टॉक बात करना, रही है टॉकिंग ऑन द फोन। अगला लेती हूँ, वो सब खेल रहे हैं, तो वो मतलब दे, क्या बोला था? आई, यू, दे, वी, प्लूरल के साथ आर लगेगा, दे आर खेलने का प्ले, इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि ये रहा का आ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल है, तो दे आर प्लेइंग गेम्स। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब जहां रहा का साउंड आ रहा है। जैसे कि मैं अगली एग्जांपल लेती हूँ, वो नाच रही है, तो वो मतलब शी, शी के साथ क्या लगेगा? शी इज नाचने का डांस, शी इज डांसिंग, है तो आ रहा है प्रेजेंट का, लेकिन जब रहा का साउंड आया तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूज है। उसके लिए रूल्स आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब लगने मस्ट है, फर्स्ट फॉर्म आनी ही आनी है और आईएनजी लगेगा, ठीक है। अगला मैं एग्जांपल लेती हूँ, वह टीवी देख रहा है, ठीक है, वह मतलब ही इज वॉच, देखना, वॉचिंग टेलीविजन और टीवी। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, जिसमें आप क्या लाएंगे? रूल्स है, हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगी। अब इसके नेगेटिव भी तो ले ले, कुछ नहीं है नेगेटिव में, बस नॉट लगा देना, बस कोई डोंट डज का मसला नहीं, सिर्फ नॉट लगा देना। जैसे कि मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ, तो आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, रूल चलेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगेगी,
ठीक है, प्लस साथ साथ ये भी होगा कि आप जो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, आईएनजी भी लगेगा, लेकिन नॉट लग जाएगा। वह अपने दोस्त के घर नहीं जा रहा है, जा रहा है कॉन्टिन्यूस, ही इज, नहीं जा रहा, नॉट गोइंग टू हिज फ्रेंड हाउस। हम दोपहर का खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो हम मतलब वी आर नॉट ईटिंग लंच। अगला लेती हूं, माँ फोन पर बात नहीं करनी है, तो मदर इज नॉट टॉकिंग, बात करना मतलब टॉक कर रही, टॉकिंग ऑन द फोन। ये होगा नेगेटिव, कुछ नहीं सिर्फ नॉट लगाना है, रूल सेम रहेंगे। अब मसला यहाँ है इंटरोगेटिव का आता है, वो क्वेश्चन, वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, क्या तुम जाग रहे हो, ठीक है, ये होता है इंटरोगेटिव। अब इसका सिंपल देखेंगे, तुम जाग रहे हो, इसका नेगेटिव देखेंगे, तुम नहीं जाग रहे हो, लेकिन इसका इंटरोगेटिव देखेंगे, क्या तुम जाग रहे हो, इसके लिए क्या लगना है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उसी से स्टार्टिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, इसका सिंपल क्या हुआ, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब इसका इंटरोगेटिव क्या आएगा, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वही स्टार्ट में लग जाएगा, जैसे कि आर वी गोइंग टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट, क्या वो अपने दोस्त से घर जा रही है, इसका सिंपल देखेंगे, शी इज गोइंग टू हिज फ्रेंड हाउस। इसका इंटरोगेटिव देखेंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज शी गोइंग टू हिज फ्रेंड हाउस। अगला देखती हूं मैं, क्या मैं सपना देख रहा हूं, इसका सिंपल क्या होगा, आई एम ड्रीमिंग, ड्रीम मतलब सपना, इंग लगा रही है ड्रीमिंग। अब इसका इंटरोगेटिव क्या आएगा, एम आई ड्रीमिंग। अब अगला देखती हूं कि हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, तो इसका सिंपल क्या होगा, वी आर ईटिंग लंच, इसका इंटरोगेटिव, आर वी ईटिंग लंच। तो ये हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सबसे ज्यादा इजी होते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब समझो क्या होते हैं, इज एम आर होते हैं, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, आईएनजी लगा दो, वो सारे सेंटेंस वाक्य है जिसमें रहा है आ रहा है, तो आ रहा है, प्रेजेंट की बात चलिए साथ साथ रहा आ जाए, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके सिंपल, इसका नेगेटिव, इसका इंटरोगेटिव दिखा दिया। हमेशा लास्ट की तरह मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसका सिंपल, आई एम रीडिंग, इसका नेगेटिव, आई एम नॉट रीडिंग, इसका इंटरोगेटिव, एम आई रीडिंग। वह मार्केट जा रही है, तो इसका सिंपल, शी इज गोइंग टू मार्केट, इसका नेगेटिव, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, इसका इंटरोगेटिव, इज शी गोइंग टू मार्केट। सो ये हो जाते हैं तीनों सेंटेंस जिसमें आपका नेगेटिव भी पता लग जाता है और इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई गई होगी, लाइक करें आप, सब्सक्राइब भी कर लें।